हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स में हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, तो इसमें जो है आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट एड के। प्रोसीजर किस तरीके से रहते हैं, क्या टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आप देखें फर्स्ट एड की जो किट रहती है उसको कैसे प्रिपरेशन की जाती है, ड्रेसिंग किस तरीके से रहती है, बैंडेजेस किस तरीके से रहते हैं, स्पिंडर्स किस तरीके से रहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में आपको किस तरीके से इंजर्ड पेशेंट को ले जाना होगा, और जो है CPR एंड बेसिक लाइफ यूनिट। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड की प्रिपरेशन और टेक्निक्स। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें सभी लोग। अगर आपको इसका कोर्स चाहिए तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इसका कोर्स मिल पाएगा। तो पहला पॉइंट आपका जो रहेगा, प्राथमिक चिकित्सा की तकनीकें, मरम पट्टी करना, आपका बैंडेज, पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने की तकनीक। ठीक है, तो फर्स्ट एड टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या अध्ययन करना होगा, मरम पट्टी के बारे में, बैंडेज के बारे में, जो पीड़ित है, जो चोटिल है, उसको अच्छी तरीके से जो है स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना, किस तरीके से आपकी जिम्मेदारी रहती है और किस तरीके से आपको ले जाना होगा। सबसे पहले ड्रेसिंग, जिसको हम कहेंगे मरम पट्टी, तो घाव के ऊपर से जो है रखे जाने वाली सुरक्षित कवर को मलम पट्टी कहते हैं। जो आप पट्टी करते हैं कॉटन की जो रहती है उसको करते हैं, तो उसको क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, घाव का जो रिसाव है उसको सोखने में, घाव का जो रक्त का नियंत्रण है उसको करने में, और अधिक चोट न बने इसके बचाव करने में, और दर्द को कम करने में जो है यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों का किस तरीके से आएगा कि मरम पट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उनमें से एक ऑप्शन जो है इनमें से आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद मरम पट्टी जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है ड्रेसिंग। तो इसमें सबसे पहली जो बेसिक रहती है वो चिपकाने वाली रहती है, जिसको बैंडेड कहते हैं, जिसको कि बैंडेड कहा जाता है। ठीक है, तो बैंडेड जो है इसको कहा जाता है। तो जो ये पट्टी रहती है आपकी, जो आपका चिपकाने वाला बैंडेड जिसे कहते हैं, तो इसमें एक चीज़ होती है जो कि सेलुलोज होती है। देखिए ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि सेलुलोज मतलब क्या पाया जाता है बैंडेड में, तो ऑप्शन आपको दो तीन देखने को मिलेंगी जिसमें कि सेलुलोज भी एक रहेगा, तो उनमें से आपको एक चीज़ जो है इसमें रखेंगे, जिसमें कि चिपकाने वाले पदार्थ की सतह पर जो है लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो है घाव जल्दी से भर जाए, तो वो रहता है आपका सेलुलोज। इस पट्टी को चिपकाने से पहले घाव के आसपास की त्वचा को पूरी तरीके से सूखना होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, और पट्टी के सभी किनारों को दबाकर चिपका देना चाहिए। लेकिन जो ये पट्टी रहती है वो सिर्फ छोटे घावों के लिए ही उपयोग में ली जाती है। अब जो दूसरी बात आती है, न चिपकने वाली पट्टी, जो कि नॉन एडहेसिव पट्टी जिसे कहा जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो इस पट्टी में क्या रहता है कि गौच पीस बनाई जाती है। तो गौच पीस क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है पट्टियाँ रहती हैं, तो पट्टी के बीच में जो है रुई जो है डाल दी जाती है और उसको बीच से बंद कर दे, जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच के बीच में जैसे आपका फल सब्जी जो रहती है टमाटर डालते हैं, उसी तरीके से दो पट्टियों के बीच में जो है रुई डालने के बाद एक गौच पीस जैसा बनता है। ठीक है, ब्रेड की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, गौच पीस। तो गद्दीदार जो है परत बन जाती है जिसको कि गौच पीस कहा जाता है। तो गौच ड्रेसिंग किस तरीके से रहेगी, तो इसमें भी कई परतों में गौच का प्रयोग किया जाता है समांतर है बड़े घावों में। तो बड़े घावों में जो है गौच का इस्तेमाल किया जाता है और उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं गौच ड्रेसिंग। तो ये हो गई आपकी गौच ड्रेसिंग, जिसको कि खून को रोकने के लिए, क्लॉटिंग करने के लिए, और जो है आपका जो बड़ा घाव होता है उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। अब आता है इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेसिंग रहेगी वो आपकी तत्कालिक काम चलाऊ ड्रेसिंग रहेगी। तो ये एक अमूमन जैसे कोई भी आपने कपड़ा फाड़ लिया, कहीं से कागज़ का टुकड़ा लगा दिया या सेलुलोज का टिश्यू लगा दिया, मतलब कहीं भी आप हड़बड़ी में अगर आपको कोई चोटिल दिखा तो आप किसी भी कपड़े का टुकड़ा, साफ़ सुथरा कपड़े का टुकड़ा अगर उसको बांध देते हैं, तो उसको इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आप जैसे अपने रुमाल को ही, साफ रुमाल को अगर कहीं बांध देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जो है काम चलाओ ड्रेसिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्रेसिंग रहेगी। हम ड्रेसिंग कैसे करते हैं, तो इसमें जो है हर प्रकार के घाव को हमेशा मलम पट्टी से ढककर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो है संक्रमण होने का खतरा
रहता है, मतलब इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिससे कि कहीं आपका जो है इन्फेक्शन होके वो पक ना जाए। तो साफ़ सुथरे तरीके से जो है उसको करना होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो बेसिक आपको सभी को पता है कि कैसे होता है। अब आता है बैंडेड क्या होता है। तो बैंडेड जो होता है गौज की किसी कपड़े की लंबी पट्टी होती है, जिसमें कि जो आपका बैंडेड होता है वो बैंडेज गौज जैसे किसी कपड़े की बनी बड़ी पट्टी होती है, उसका प्रयोग घाव व शरीर के जख्मी अंगों को रक्षा करने, उसके स्तर को जो है सहारा देने के लिए किया जाता है। मतलब जो लंबी पट्टी होती है उसको बैंडेज कहा जाता है, ठीक है। तो लंबी आपकी जो पट्टी रहेगी उसको क्या कहा जाएगा, बैंडेज। तो कहीं भी दुर्घटना होती है किस तरीके से प्रयोग की जाती है वो आप देख लीजिए। अब आएगा आपका बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बैंडेड बैंडेज ही ये रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसमें आपका जो है 3 प्रकार के जो है बैंडेज होते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के बैंडेज होते हैं। पहला है त्रिकोण बैंडेज, दूसरा है रेगुलर बैंडेज और तीसरा है ट्यूबुलर बैंडेज। तो जो आपका त्रिकोण बैंडेज है, तो नाम से ही आपको देखने को मिला होगा, जिसमें कि 3 जो है पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट एंड और एंड, ठीक है। तो इसको बेस कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका मास्टर बैंडेज भी इसको कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मास्टर बैंडेज कौन से बैंडेज को कहा जाता है। तो इसका प्रयोग जो है ड्रेसिंग को सुरक्षित करने अथवा जख्मी अंगों को हिलाने डुलाने से रोकने के लिए किया जाता है। रेगुलर बैंडेज जो रहती है आपकी, जो बैंडेज से ड्रेसिंग बांधी जाती है, जो कि जख्मी अंगों को जो है सहारा देने के लिए रहती है। इसके बाद जो ट्यूबुलर बैंडेज होती है वो उंगलियों में अंगूठों को रोकता है, ठीक है। उंगलियों को अंगूठों को रोकता है, जख्मी जोड़ों को सहारा देता है, ठीक है। तो ये इनमें जो है डिफरेंस रहेगा आपके तीनों बैंडेजेस में। तो ये आपका जो इसका साइज रहेगा वो 100 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। एक टुकड़े का कोना जो है दूसरे टुकड़े कोने के बीचों बीच काट कर जो है बनाया जाता है। इसे 2 त्रिकोण पट्टियों से बनाया जाता है। तो ये आपका जो है इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये बनाना होगा। इसके बाद गल पट्टी। तो गल पट्टी किस तरीके से रहती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गल पट्टी का पूरा जो है इसमें रहेगा। तो देन इसके बाद जो है काफ कॉलर तथा काफ, जो कि हाथ में जो बनाया जाता है, जैसे कि हाथ में अगर आपके फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे अगर आपका फ्रैक्चर हो गया, तो सहारा देने के लिए जो है काफ कॉलर से जो है ऐसे करके जो है बनाया जाता है। तो इसको जो है कॉलर तथा काफ सीलिंग कहा जाता है। इसके बाद इसका प्रोसीजर आप पूरा देख लीजिए। तो ये आपका रहेगा पूरा काफ, तो ये आपका पूरा हाथ को सहारा देने के लिए रहेगा। तो बैंडेजेस पट्टी किस तरीके से रहेगी, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। पहले आपको 3 त्रिकोण लेने हैं और इसको जो है मोड़ लेना है यहाँ को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ को फोल्ड करना है, उसके बाद एक और बार फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जो है आपका ये बन जाएगा तीसरी बार, ठीक है। तो तीसरी बार आपको फोल्ड करने के बाद आपको अगर सिर में चोट आई है, तो सिर में किस तरीके से बांधे, तो उसको कहा जाता है स्कैल्प बैंडेज। सिर की चोट के लिए जो है ये लिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार हैं आपके पट्टियों के, और ये जो है आपको माथे में गले में इस तरीके से आपको बांधना होता है, ठीक है। तो ये प्रकार हो गए। तो इसमें आपको देख सकते हैं कंधे की पट्टी इस तरीके से रहेगी। और तो विभिन्न प्रकार की जो है आपने बैंडेजेस देख ली। तो ये जो है रोलर बैंडेज है, तो इसमें जो है पट्टियाँ किस तरीके से रहती हैं, अगर आपकी उंगलियों में लगी है तो सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाथ में कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ये जो है इसकी नाप रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, कि पीड़ित को घटनास्थल से बाहर निकालने की तकनीक किस तरीके से रहेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले जो पीड़ित होगा कंधे से पकड़कर खींचना, मतलब कंधे से आप लोगों को पकड़ना होगा पीड़ित को। पीड़ित व्यक्ति के कंधे के नीचे कपड़े से पकड़ें, आप अपने हाथ पीड़ित व्यक्ति के सिर के दोनों ओर लगाकर जो है सिर को सहारा दें, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद जो है पैरों को पकड़कर, जिसको कि टखने पकड़कर खींचना, तो ये जो पैर रहते हैं इनको ऐसे चिपका कर आप लोग ऐसे खींच सकते हैं, और ये जो है तकनीक आपका रहेगा। इसके बाद जो है पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की तकनीक है, तो किस तरीके से आपको जो है पहुंचाना होगा। तो सबसे पहले आपको जो बातें ध्यान में रखनी होगी कि पीड़ित को सामान्य स्थिति में होना चाहिए, कहीं से उसका जो है रक्त का रिसाव नहीं होना चाहिए, और हालत में परिवर्तन या हालत घबराने की कोई संकेत हो तो वो आपको जो है इसमें नज़र रखनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और जो है इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा सिंगल हेल्पर ट्रांसपोर्ट, अकेले सहायक द्वारा ली जाने का तरीका। तो इसमें आपको अगर आप अकेले हैं तो गोद में
ले जाने का तरीका मानव बैसाखी और पीठ पर लाद कर ले जाने का तरीका, फायरमैन की तरह उठाकर ले जाने का तरीका, अगर आप अकेले हैं तो किस तरीके से आपको ले जाना होगा, तो ये आपका गोद में ले जाने की जो तकनीक है जिसको कि कार्डियल टेक्निक कहा जाता है, तो गोद में आप किसी पेशेंट को ले जा रहे हैं या बच्चे को ले जा रहे हैं तो इस तरीके से ले जा पाएंगे। ह्यूमन क्लच टेक्निक इसे कहा जाएगा, मानव बैसाखी टेक्निक, ठीक है। एक अगर आप हाथ उसका अपने कंधे में रखेंगे तो इस तरीके से सहारा देके आप लोग ले जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी तकनीक होगी, पीठ पर लाद कर ले जाना, जिसको कि पिक एंड बैक टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंधे में आपको जो है हाथ ऐसे लगा के ये टेक्निक कहा कहलाई जाती है। ये जो तकनीक है आपकी फायरमैन तकनीक कहलाई जाएगी, जिसमें कि फायरमैन की तरह उठाकर ले जाने की तकनीक कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। इसके बाद मल्टी हेल्पर, अगर दो लोग हैं आपके सामने तो दो लोगों में आपका ह्यूमन क्लच टेक्निक जो रहेगी, मानव बैसाखी, जिसमें कि दोनों के कंधों में हाथ रखकर आप इस तरीके से ले जा सकते हैं। इसके बाद हाथों में आसान तरीके से जो है हैंड सी टेक्निक, मतलब हाथों को आप एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़ कर, ठीक है, तो ये जॉइंट बनाकर हाथ में बैठा के भी ले जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी तकनीक आपकी रहेगी, दोनों से सीट बनाने की तकनीक, मतलब दोनों का ऐसे दोनों के हाथों को कंधे में लगा के और दूसरा हाथ को पकड़कर इस तरीके से गोद में बनाकर जैसा भी ले जाया जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स आपकी रहेंगी। और देन इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक रहेगी, आगे पीछे चलने के तरीके वाली टेक्निक, मतलब इसमें एक जना पैर पकड़ेगा घुटने और एक जना जो है यहाँ पे हाथों को पकड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फोर एन आर्म मेथड टेक्निक, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक कहलाई जाती है। इसके बाद कुर्सी में, ठीक है, कुर्सी में पकड़ कर ले जाया जा सकता है, तो ये भी अच्छी टेक्निक है जिसमें कि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है कि आपको जो है ब्लैंकेट लेफ्ट टेक्निक, तो ब्लैंकेट में इस तरीके से रोल बनाकर ले जाया जाता है। तो ब्लैंकेट में जो है आपका यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे लकड़ियाँ डाली जाती हैं और जिनको बांध दिया जाता है, और इसमें जो है पेशेंट को लिटाकर चार लोगों के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। तो इसको ब्लैंकेट टेक्निक कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पूरी PDF आपको प्रोवाइड कराऊँगा, पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है, तीन व्यक्तियों द्वारा पीड़ित को स्ट्रेचर की तरह उठाकर ले जाना, ठीक है। तो ये टेक्निक भी आपकी रहती है जिसमें कि सीधा लेटाकर और तिरछे में जो है पेशेंट को पकड़कर जो है ले जाया जाता है। इसके बाद स्ट्रेचर किस तरीके से बनता है, क्योंकि तो ये जो टेक्निक आपकी रहेगी स्ट्रेचर की रहेगी, तो स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा स्ट्रेचर का। लोडिंग स्ट्रेचर, तो लोडिंग स्ट्रेचर में आपका जो है क्या क्या उपकरण आपके होने चाहिए, कंबल से उठाना होना चाहिए, आपातकाल लिफ्टिंग इस तरीके से रहेगी, ब्लैंकेट लिफ्टिंग, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स अगर आपको चाहिए, मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको जो है एक लिंक हम प्रोवाइड कराएंगे जिसमें कि आप लोग पूरा जो है इसका कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो परचेज करने के लिए आपका जो ये कोर्स रहेगा, इसका जो MRP है वो आपका 199 रहेगा, ठीक है। तो 199 में आप लोग ये पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसमें आप लोग जो है व्हाट्सअप करें, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, अपनी डिटेल्स बताइए कि आपको ये कोर्स चाहिए और कौन से एम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए, तो ये आपको पूरा कोर्स जो है वो आपको 199 में जो है प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 199 इसका MRP रहेगा कोर्स का, जिसमें कि हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का पूरा जो है टॉपिक्स रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरीके से रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको जानकारियाँ उपलब्ध करा देंगे। आपको जो है 199 जो है पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको कोर्स मिलेगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि कोर्स हमें कहाँ उपलब्ध होगा, तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड हम कराएंगे। तो आपको जब आप पेमेंट कर देंगे उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है और आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा जो कि टेलीग्राम का रहेगा, उसमें एक ग्रुप बनाया है, उसमें सारी PDF आपको मिल जाएगी। ये जो आप PDF देख रहे हैं ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी बुक का, जिसमें कि एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है आपका फर्स्ट एड रहेगा, जो आपका हाइजीन टेक्निक्स रहती है, जनरल
जो आपका इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दिख रही होगी, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट करके अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।